PPL क्रिकेट टूर्नामेंट का जिला पंचायत अध्यक्ष ने फीता काटकर किया शुभारंभ। देवगनपुरा स्थित पंडित रामेश्वर अग्निहोत्री स्टेडियम में शुक्रवार दोपहर अलीपुरा और शिमलापुर के बीच हुए टॉस के जमीन छूते ही क्रिकेट से जुड़ी पनवाड़ी प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई। हफ्ते में भर चलने वाले इस सालाना मैच सीरीज में यूपी और एमपी के विभिन्न शहरों से आई 16 टीमों के बीच जोर आजमाइश देखी जाएगी। फाइनल विजेता टीम को आयोजक राजू मिश्रा व कमेटी के अन्य सदस्यों की ओर से 51,000 और सेकंड रनअप टीम को 25,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। श्रृंखला का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजू नगायच, कौशल किशोर मिश्रा, रामलखन सोनी, प्रदीप मिश्रा, सीताराम अग्निहोत्री, अमित अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। टॉस जीतकर शिमलापुर ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। पहले बैटिंग करते हुए अलीपुरा ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 210 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में बैटिंग करने उतरी शिमलापुर की पूरी टीम 126 रन पर ढेर हो गई। इस तरह अलीपुरा को 84 रन से विजयी घोषित किया गया। BS लाइव न्यूज से संतोष कौशिक की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल BS लाइव न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। यहाँ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री राजू नगायच जी भाई साहब, किसान मोर्चा के श्री प्रदीप मिश्रा जी, देश का बड़ा नेता श्री पंकज तिवारी जी, मेरे साथ प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज दमौवा श्री जगदेव वर्मा जी, श्री धीरज अंबानी जी, नगर सेठ जी, श्री संतोष अग्निहोत्री जी, श्री मिश्रा जी, सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्ति, इस पनवाड़ी प्रीमियर लीग के आयोजक समिति, सबसे पहले तो इतने सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस छोटे से पनवाड़ी कस्बे में साथ ही इस बात का दुख भी व्यक्त करता हूँ कि इतने बड़े आयोजन के लिए पनवाड़ी में एक भी फील्ड नहीं है। यह हमारे बहुत से ऐसे पूर्व के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनकी बहुत बड़ी विफलता है। निश्चित तौर पर जो भी जनप्रतिनिधि है, वर्तमान सरकार खेलो इंडिया खेलो फिट इंडिया के तहत खेलों को एक तरफ बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर इतने बड़े कस्बे के लिए जो कि अभी तक टाउन एरिया हो जाना चाहिए, जिसे जनसंख्या के आधार पर विकास की दृष्टि से वो इतना पिछड़ा है कि वहाँ एक भी खेल का मैदान नहीं है, दुखद है। इसकी बात रखी जाएगी, जितना मेरा संभव प्रयास होगा मैं देखूंगा, ग्राम प्रधान जी से मिलकर आज ही बात होगी कि कम से कम एक ग्राउंड तो होना चाहिए जिससे सभी प्रकार के खेल उनका आयोजन होता रहे और जो क्रिकेट प्रेमी है, फुटबॉल प्रेमी है, हॉकी प्रेमी है, वो कम से कम उनके लिए ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए। आज ये दोनों टीमें अलीपुरा और शिमलापुर, इनके बीच मैच का शुभारंभ उद्घाटन मैच हो रहा है। मुझे यहाँ पर आके बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत ही अच्छा लगा कि ये 14 टीमें जो 16 टीमें दूर दूर से टीमें आई हैं, अभी जैसा कि राजू मिश्रा जी बता रहे थे कि काफी नोएडा वगैरह से काफी दूर दूर की टीमें आई हैं, सभी टीमों के सदस्यों का, कैप्टन्स का, उनके टीम मैनेजर का, मैं अपने पनवाड़ी कस्बे में जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते जिला पंचायत क्षेत्र में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही यह कह रहा हूँ कि यदि हमारे कमेटी द्वारा, पनवाड़ी नगर के समाज सेवियों द्वारा कोई कमी रह गई हो या कोई कमी रह जाए तो उसे माफ करें और हम आपकी सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। ये कार्यक्रम श्री राजू मिश्रा जी, जो स्वयं एक बहुत बड़े समाज सेवी है, सदैव उनका प्रयास रहता है कि वो चाहे गरीब बच्चियों की शादी हो, चाहे पानी पहुंचाने का कार्य हो या उनकी शादी में आर्थिक योगदान देने का कार्य हो, अपने प्रतिष्ठान के माध्यम से सदैव उनका प्रयास रहता है। ऐसे समाज सेवी बहुत कम है महोबा में, ऐसे समाज सेवी श्री राजू मिश्रा जी हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, साथ करके आयोजन की बधाई देता हूँ।
और आज के कार्यक्रम का की शुरुआत की शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर पर फाइनल मुकाबला में खुद देखने आऊंगा। आपकी पार्टी का कार्यक्रम है इसलिए जल्दी जाना होगा। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो एम्पायर है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका आभार अभिनंदन। खेल भावना से क्रिकेट मैच करवाएंगे ऐसी अपेक्षा है। जो कमेंटेटर्स हैं दूर दूर से चल के आए हैं उनका भी यहाँ स्वागत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।